ये क्या मिसाल बना रहे हैं हम लोग पाकिस्तान का, ये किस तरह की एग्जांपल्स हम लोग सेट कर रहे हैं। यहां पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो, रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। यहां पे जनाब स्पीकर 3 नवंबर 2022 पे आते हैं और 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था 3 नवंबर 2022 को। क्या हुआ था आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहां पे अहमद चट्ठा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्ठा साहब यहां पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातिलाना हमला हुआ था, इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया, ये तो मौजा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी, इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनों खून थे। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर आप फायरआर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9 mm की गोलियां किसी के टांगों में 4 ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठा, बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर वहां पे लाहौर, हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर, बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया। और उस वक्त उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम अज कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है, जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे उसकी तरह, अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो जो नहीं वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में आ कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए जनाब स्पीकर। हम लोग आगे चलते हैं, 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजम है और वो अपने आप को आईजी पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका। और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर।